जाता है जब धागे को बीच से तोड़कर फिर से उसको जोड़ा जाए तो धागा पहले जैसा नहीं रहता बल्कि उसमें एक गांठ पड़ जाती है। भारत और वेस्ट बंगाल की कहानी कुछ ऐसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान टोडो आपके सामने फिर आज हूं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की और उसके विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन की। पूरी डिटेल जानकारी देंगे, इसलिए कहीं जाइएगा मत, पूरी वीडियो देखिए और अपना ज्ञान जो बढ़ा लीजिए। बंगाल का विभाजन की जो घोषणा है 19 जुलाई 1905 में की गई। ये घोषणा किसने की? ये घोषणा की वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। वायसराय लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय बने थे 30 दिसंबर 1898 में। भारतीय इतिहास में बंगाल के विभाजन को बंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण ये था कि अंग्रेजों को लगता था अगर हिंदू और मुसलमान अगर इकट्ठे रहे तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने बंगाल के विभाजन करना पड़ा। तो मुस्लिम हिंदू में खाई पैदा करने के लिए बंगाल दो भागों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में ज़्यादातर मुस्लिम थे, वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर हिंदू थे। तो हिंदू मुस्लिम को खाई पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मैंने गीता पढ़ी, मैंने पढ़ा कुरान, उन सब में मिला मैं इंसान। दोस्तों, धर्म कोई बुरा नहीं होता, बुरा होता इंसान। अगर अच्छा इंसान हो तो चाहे किसी का भी हो वो अच्छा ही रहता है। दूसरा जो कारण था वो था प्रशासनिक कारण भी था, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था और बंगाल बहुत बड़ा था तो उसका प्रशासनिक कारण था, जो सिस्टमेटिक जो काम वो कर नहीं पा रहे थे, तो ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा अंग्रेजों ने यह भी स्पष्टीकरण किया कि बंगाल का विभाजन विकास के लिए कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें, उस समय बंगाल भारत का सबसे विकसित क्षेत्र था, परंतु अंग्रेजों की ये चाल थी, उनका मेन मकसद ये था कि फूट डालो और राज करो। जब विभाजन हुआ तो परिणाम स्वरूप यह हुआ कि बंगाल का जो क्षेत्रफल कम हो गया, और इसका परिणाम क्या निकला? कांग्रेस ने 7 अगस्त 1905 में इसका विरोध किया और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। और बता दें, सामान्य जानकारी दे दें, बंगाल उस समय बंगाल प्रांत का जो क्षेत्रफल था, जो एरिया था, वो 4,79,500 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। तो दोस्तों, ये बंगाल विभाजन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा बता दें, जब बंगाल का विभाजन हुआ उस तारीख को विभाजन घोषणा हुई थी, आपको बता दें, फिर 19 जुलाई को, और विभाजन किया 16 अक्टूबर 1905 को, वो तारीख किस्म बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और इस दिन को भारतीय वाले शोक दिवस के तौर पर मनाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति किसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, बंगाल का, बांग्लादेश का और इंडिया का। रविंद्रनाथ टैगोर ने के सुझाव पर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांध दी और एकता उन्होंने शो की, प्यार प्रेम दिखाया। इसके अलावा आपको बता दें, जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल इंडिया में, और ईस्ट बंगाल जो है प्रेजेंट में बांग्लादेश बन चुका है। दोस्तों, ये कभी वापस वैसा ही कभी नहीं जुड़ पाया। ईस्ट बंगाल जब देश आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, उसके आधार पर ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को दे दिया गया और उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान रख दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को परेशान किया। परिणाम स्वरूप 1971 में जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी यहाँ पर भारत की, उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान है, वो प्रेजेंट जो पाकिस्तान है ईस्ट पाकिस्तान वालों को परेशान करते हुए, परिणाम स्वरूप उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प की और एक नया देश बनाने में सहायता की और उस देश का नाम बांग्लादेश है। तो प्रेजेंट बाद जो ईस्ट बंगाल बना था वो प्रेजेंट में बांग्लादेश बना हुआ देश बन गया वहाँ से। एक अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल खेली कि भारत का जो एक हिस्सा था, एक टुकड़ा था, उसको सदा के लिए अलग कर दिया। तो दोस्तों, ये बंगाल विभाजन की कुछ जानकारी। अब इसका विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था
और इसको स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। और गांधी ने स्वदेशी को स्वराज की आत्मा कहा, स्वराज मतलब स्वयं का राज। इसकी शुरुआत की गई 7 अगस्त से, 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 में आपको 7 अगस्त को बता दें एंडलूम डे भी मनाया जाता है स्वदेशी को। सुन तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई और बहिष्कार प्रस्ताव पास कर दिया गया। बहुत से क्रांतिकारी हमारे नेता थे, बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन लाल, लाला लाजपत राय, विपिन पाल, तो इनको जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा और भी नेता थे, उनको जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया। और ये प्रथम अवसर था जब देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग को ध्यान में रखा गया और इसके तहत ब्रिटेन में बनने वाले सामान को जला दिया गया। और ये देश राष्ट्रवाद की एक नई सोच, एक नई चेतना का विकास हुआ, लोग इकट्ठे हुए, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी, काफी जानकारी। इसके अलावा कुछ आपको स्वदेशी के बारे में कुछ स्लोगन आपको बता दें, प्रेजेंट कंडीशन आपको बता दें। प्रेजेंट कंडीशन में भारत और चीन का जो तनाव चरम सीमा पर है, चीन ने हमारे 20 वीर जवानों को मार दिया। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हम बंदूक उठाकर सीमा पर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास जरूर कर सकते हैं। हम चीनी प्रोडक्ट, चीन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, चीनी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ये शपथ तो हम आराम से ले सकते हैं। ओम ज्ञान कुंडू की यही अपील है कि चीनी सामान बिल्कुल न खरीदें, विदेशी सामान का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं, फिर देखो देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मुझे बड़े दुख की बात है, चीन और हमारे जो बीच जो व्यापार है जबरदस्त होता है और चीन इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाता है, लेकिन फिर भी हमारे पैसे से हमारे ही जवानों को मार देता है। तो दोस्तों स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत और चीन के संबंध, भारत ने कोशिश की अच्छे किए जाएं और नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन मैं कहता हूं और भाई भाई नहीं, हिंदी चीनी बाय बाय। 1962 में चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और उस समय जब आक्रमण किया तो हमारी हार हुई। नारा दिया गया यहाँ, चाओ माओ सावधान, जाग उठा हिंदुस्तान, स्वदेशी अपनाएं, भारत को विकसित बनाएं। भारत की अगर बनानी है अपनी पहचान तो स्वदेशी होने की है एक खास निशान। तो स्वदेशी अपनाइए, स्वस्थ रहिए, और आपको फिर मैं एक बार जोड़ के बोलिए भारत माता की जय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को।